संविधान में साफ लिखा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, और इन दो चीजों को बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो, और वो संविधान को जड़ से उठाकर फेंकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। प्रज्वल रमन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, प्रज्वल रमन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। बीजेपी को, हर हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रमन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया और अलायंस किया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये चुनाव पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और जिसने हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर यह संविधान देश को दिया था, उसमें अंबेडकर जी की का भी बहुत बड़ा योगदान था। अंबेडकर जी का बड़ा योगदान था। संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और इस संविधान में साफ लिखा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, और इन दो चीजों को बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो, और वो संविधान को जड़ से उठाकर फेंकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले उनके नेशनल प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू में कहा, जो भी समानता चाहता है वो नक्सलवादी है। पूरी दुनिया के सामने बीजेपी के प्रेसिडेंट ने इस किताब पर एक बार फिर आक्रमण किया, और फिर उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो आपका प्रेसिडेंट संविधान पर, समानता पर क्यों आक्रमण कर रहा है? वो क्यों कह रहा है कि अगर समानता चाहने वाले लोग नक्सली हैं? ये प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने फिर से इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया। वो सारे लोगों को कह रहा है, अगर दलित समानता चाहते हैं, अगर ओबीसी समानता चाहते हैं, अगर आदिवासी समानता चाहते हैं, तो वो नक्सलवादी हैं। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं हो सकता है। बीजेपी के प्रेसिडेंट को एकदम इस्तीफा देना चाहिए, और प्रधानमंत्री को देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि उनके प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया। और प्रधानमंत्री को कर्नाटक की जनता से और हिंदुस्तान की हर माता बहन से भी माफी मांगनी होगी। प्रज्वल रमन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, प्रज्वल रमन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रमन्ना ने क्या किया था। बीजेपी को, हर हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रमन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया
और अलायंस किया प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और बीजेपी के हर नेता को देश की महिलाओं से, माताओं बहनों से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। दुनिया के किसी भी लीडर ने ऐसा काम पहले नहीं किया होगा। पूरे दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। बीजेपी की विचारधारा है अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। आप सोचिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिछले 10 साल 22 लोगों के लिए इन्होंने काम किया, हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला, अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ किया है, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं का रेप किया तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। उनके पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया, ये उनकी गारंटी है। अब अगर आप भ्रष्ट राजनेता हो, मैस रेपिस्ट हो, तो बीजेपी आपकी रक्षा करेगी। अब कांग्रेस पार्टी की गारंटी, अब आपको खुश करने का टाइम आ गया। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दी, गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में, 24000 रुपए साल के, 2000 रुपए महीने के कर्नाटक के हर महिला के बैंक अकाउंट में गृह लक्ष्मी स्कीम। अब महालक्ष्मी स्कीम, महालक्ष्मी स्कीम हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। नरेंद्र मोदी जी ने सबको गरीब बना दिया है। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल का 1 लाख रुपया उस महिला के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। हर महीने 8,500 रुपए कटाकट आपके बैंक अकाउंट में। कर्नाटक के गरीब परिवारों को साल का 24,000 रुपए नहीं, 1,24,000 रुपए मिलने जा रहा है। और जैसे ही हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इरिटेशन हो रहा है, चिड़ मचड़ी है, क्योंकि उनके अरबपतियों मित्रों को यह पैसा नहीं मिलने वाला है। युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार हमारी सरकार देने जा रही है। युवा निधि में आपको यहां 3,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। पहली नौकरी पक्की स्कीम हम लागू करने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, 8,500 रुपए हर महीने बैंक अकाउंट में जाएंगे, 1,00,000 रुपए साल के होंगे और बेस्ट क्वालिटी की ट्रेनिंग हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को मिलने वाली है। उन्होंने आपको बेरोजगारी दी, हम आपको अप्रेंटिसशिप का अधिकार और बैंक में साल के 1,00,000 रुपए और दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। 30,00,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हम आपके हवाले, चुनाव जीतते ही हम उनको आपके हवाले करने जा रहे हैं। मनरेगा में आज 250 रुपए मिलता है, हमारी सरकार 400 रुपए देने जा रही है। मनरेगा दल्ली इवत्तु राष्ट्र दल्ली राज्य दल्ली केवल 250 रुपए सिक्ता इदे, नाव सरकार बंद मेले 400 रुपए कोडोदिक्के तीर्मान माडिदिवे। और जो आंगनवाड़ी और आशा में महिलाएं काम करती हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम हिंदुस्तान के हर गरीब किसान का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और किसानों को लीगल कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान में पहले बार हमारी सरकार देगी। जो भी आपके लिए, गरीबों के लिए हुआ है, किसानों के लिए हुआ है, मजदूरों के लिए आजादी के बाद किया गया है, ये कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के कारण बना है। अगर बीजेपी के लोग इसको खत्म कर देंगे तो गरीबों को हिंदुस्तान में कुछ नहीं मिलने वाला है, आपकी जमीन चले जाएगी, आपका कोई भविष्य नहीं होगा। अगर दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को कुछ मिलता है, अधिकार मिलते हैं, तो इस किताब के कारण मिलते हैं। इसके लिए पूरा देश लड़ना चाहिए, बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ लड़ना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए। मैं आपका सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।